टोक्यो पैरालंपिक 2021 सुंदर सिंह गर्जुर ने जैवलिन थ्रो में भारत की झोली में डाला एक मेडल। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सुंदर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2021 टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने जैवलिन थ्रो में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए जीता सिल्वर मेडल। 19 साल की भारतीय अग्नि लेखारा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में पैरालंपिक गोल्ड जीता है। आज ब्रज सहित समूचे देश और विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से की गई है। महाराष्ट्र में दही हांडी पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना की वजह से सरकार ने लगाई रोक, लेकिन विपक्षी दही हांडी उत्सव मनाने पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपने स्वयंसेवकों को चिकित्सीय प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि किसी भी आपदा में वह बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर सकें। इनमें डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने सत्यनिष्ठता की जबरदस्त वकालत की है। उनका कहना है कि यदि राज्य या शासन के आगे सत्य को झुकना पड़े तो सच्चे लोकतंत्र का चलना असंभव है। राज्य और शासन प्रायः झूठ फैलाकर ही अपना दबदबा बनाए रखते हैं। बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वे उस झूठ, उस पाखंड, उस नौटंकी का भंडाफोड़ करें। मेरी राय में यह जिम्मेदारी सिर्फ बुद्धिजीवियों की ही नहीं है, उनके पहले विधानपालिका यानी संसद और न्यायपालिका यानी अदालतों की है। लखनऊ KJNU में खाने में कीड़ा निकलने को लेकर हंगामा। KJNU की व्यवस्थाओं को जांचने वाले बने लापरवाह। कैंटीन कर्मचारियों की मनमानी से खाना मिल रहा खराब, साथ ही खाने की प्लेट में निकल रहा कीड़ा। KJNU प्रशासन जांच कराए जाने के लिए हुआ तैयार। कोविड की तीसरी लहर को लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत यूपी में नाइट कर्फ्यू के निर्देश हैं। इसके बाद भी रात 10 बजे के बाद लखनऊ के गोमती नगर SRS मॉल के पास स्थित कालिका हट और कालिका स्वीट्स खुली थी। उसके बाद उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन की कार्रवाई की गई। आलमाबाग में रात 11:38 पर बाबा का ढाबा खुला था। गुडबा में टेढ़ी पुलिया पर कन्हैया लाल गुप्ता ने जनरल स्टोर की दुकान और मुगलई हट्स के नाम से रेस्टोरेंट और जाकिर बिरयानी की दुकान के अलावा ब्लैक कैफे व एक अन्य रेस्टोरेंट समेत 10 प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद खुले मिले। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। केरल में बढ़ते मामलों के चलते कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग की तस्वीर बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से केरल में प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे और संक्रमण दर भी बढ़ गई है। इसकी वजह से पिछले हफ्ते पूरे देश में संक्रमण के मामलों में 17% की वृद्धि हुई है। इस दौरान वायरस के चलते होने वाली मौतें भी 10% बढ़ी हैं। यूपी के फिरोजाबाद में वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया की चपेट में अधिकांश इलाका आ गया है। बच्चों की मौतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। रविवार को भी 6 नई मौतें सामने आई। शनिवार को भी 6 बच्चों की मौत हुई थी। पिछले 10 दिन में वायरल बुखार से 38 की मौत हुई है। लखनऊ, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में फैल रहे रहस्यमय वायरल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों जिलों में विशेष डॉक्टरों की टीम भेजने के दिए निर्देश। बीमारी के फैलने और तुरंत रोकथाम का करें इंतजाम। बरेली पहुंचे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इंद्रांग की वाल्मीकि बस्ती के शिव मंदिर में विपक्षी पार्टियों पर मुखर नजर आए। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के हिंदू मंदिर जाने और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने पर निशाना साधते हुए कहा कि छिपकर टीका लगाने वाले अब मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में मदरसा बना लूट का अड्डा। 3 साल के कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। गरीब असहाय यतीम बच्चे होते हैं परेशान। मदरसा में 1200 छात्र छात्राएं करते हैं पढ़ाई। एडमिशन के नाम पर हो रही अवैध वसूली। बलरामपुर के पचपेड़वा इलाके में है मदरसा। प्रयागराज में 12 साल के अंकित के अपहरण का मामला। पुलिस ने किशोर का शव बरामद किया। मिर्जापुर के ब्रह्मदेवगंज की पहाड़ी से शव बरामद। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 30 लाख की फिरौती। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। सरायनायक के अंदावा का मामला। अमेठी जिले में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। सेंध काटकर चोरों ने दुकान में की चोरी। चोरों ने दुकान से लाखों की चोरी की। 4 लैपटॉप, नकदी, मोबाइल लेकर चोर फरार। चोरी की घटना CCTV में हुई कैद। अमेठी के जामो कस्बे की घटना। उधमपुर से प्रयागराज जा रही स्पेशल ट्रेन में लूट हो गई। लुधियाना रेलवे स्टेशन से चढ़े 9 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। रेकी करने के बाद लुटेरों ने कोच दी, साथ में बैठे लगभग 20 यात्रियों से नकदी व मोबाइल लूट लिए। इसके बाद बीच रास्ते में ही ट्रेन की चेन पुलिंग कर फरार हो गए। इस दौरान यात्रियों ने एक लुटेरे को मौके पर ही दबोच लिया। आगरा के इरातंग स्थित कैनरा बैंक डकैती में फरार चल रहा 50,000 रुपए का इनामी मुकेश ठाकुर आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सदर क्षेत्र में BSNL ग्राउंड के पास पुलिस और उसके बीच मुठभेड़ हुई। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.